Good morning, students. So we are going to start our fourth lesson. Already introduction we had there. So introduction में हमने देखा था कि आपके second first millennium जो था उस time period में बहुत सारे जो philosophers निकले थी, उन philosophers ने ये कहा था कि मतलब कहा मतलब उनके सबके thoughts इस प्रकार के थे कि जो कॉस्मो है यानी कि हमारी देश दुनिया से बाहर, हमारी पृथ्वी से बाहर, जिसके साथ हम भगवान के नाम से या खुदा के नाम से, अल्लाह के नाम से संबंध रखते हैं, उनका और इंसानों के बीच में कैसा तालमेल है, क्या सोच होनी चाहिए, क्या समझ, वो अपनी बुद्धि के द्वारा उसको प्रकट कर रहे थे। अगर हम देखें तो उस दौरान में अलग अलग प्रकार की उनकी सोच जो है वो कई स्क्रिप्ट के द्वारा, जैसे बौद्धिज्म, जैनास और हमारे जो कह सकते ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो है उनके जरिए निकाले। ना सिर्फ ये परंतु दुनिया भर में लोग, दार्शनिक लोग इस चीज पे चर्चा कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है द बैकग्राउंड सैक्रिफाइस एंड डिवीज में से था, जो हमने शुरू किया था पहले वाले लेसन जब डाला था तब, और आज हम उसका सेकेंड वाला ले रहे हैं, द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। सो हम सब जानते हैं कि वैदिक काल के समय में एक सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन लिया जाता था, हुआ होता था। तो ये सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन के अंदर कई सारे कर्म होते थे, कई सारी चीजें होती थी जो उनको करना पड़ता था और अपने आप को साइंटिफाई करना पड़ता था, अपने आप को शुद्ध और सही तरीके से रखने के लिए बहुत सारी चीजें उनको अडॉप्ट करनी होती थी। अगर यहाँ पर देखें, जैसे मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, दियर वर सेवरल प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन ऑफ थॉट्स, रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, इंक्लूडिंग द अर्ली वैदिक ट्रेडिशन नोन फ्रॉम द ऋग्वेदा कंपाइल बिटवीन द सी 1500 टू 1000 BCE. Rigveda consists of hymns, then praises of the variety of deities, then specially the Agni, Indra and Som. अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हम देखें तो वैदिक काल के दौरान जो कि 1500 से लेके 1000 तक का BCE समय अंतराल पे इसका अस्तित्व या जोर या इसका डेवलपमेंट हुआ था, तो ये ऋग्वेदा और में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें दिखती है, जैसे आहुति करते समय प्रेस करना, भगवान को क्या करना, स्तुति देना, भगवान की आराधना करना, और हम यानी कि कई गीत का गाना और कई चैंटिंग्स यानी कि मंत्रों का उच्चारण करना, तो ये सारी चीजें उस दौरान में हम देखते हैं। और विभिन्न प्रकार के डीटीज के लिए ये किया जाता था, डीटीज मतलब देवी देवताओं के लिए। अगर हम देखें तो उनमें मुख्य जो देवी देवता थे, एक तो अग्नि थी जो इंद्र थे और सोम थे, थ्री गॉड्स, अग्नि, इंद्र, सोम, ठीक है। देन मेनी ऑफ दीज हम्स वर चेंटेड व्हेन द सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड, वेयर द पीपल प्रेड फॉर द कैटल, सन, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ एक्सेट्रा। अब जितनी भी चीजों के मैंने नाम लिए वो सब इस पृथ्वी पे मिलने वाले, पृथ्वी के बाहर कॉस्मो की कोई बात यहाँ पे नहीं। अल्टीमेटली वो प्रेयर करते थे किसके बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने लिए अच्छा सब कुछ मांगना, सही समय पर वर्षा होनी चाहिए, सही समय धूप होनी चाहिए, हमारे जीव जो है, जो हमारी क्या कहते हैं कैटल्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको जिंदगी मिलनी चाहिए, वो अच्छे खूब उत्पन्न होने चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी जो है अच्छे साउंड रहे। देन इसके बाद अगर हम देखें, एट द फर्स्ट सैक्रिफाइस वर परफॉर्म कलेक्टिवली later in 1000 BCE to 500 BCE onwards, some were performed by the head of the family or the we can say domestic unit. Then अगर हम देखें तो पहले ये होता था कि पूरे जो समाज वाली है, पूरे एक इलाके में जितने लोग रहते थे वो इकट्ठे होके यज्ञ आहुति और पूजा करते थे। धीमे धीमे संख्या बढ़ने लगी और इसमें मन जो हम कह सकते हैं कि एक साथ इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं हो पा रही थी, तो नदी के किनारे ये लोग अपने अलग अलग परिवार के नाम से आहुतियां करने लगे थे, पूजा पाठ करने लगे थे, जिसमें परिवार का जो मुखिया होता था वो ये सारे जो है कार्य क्रिया कर्म जो था वो उनको पूर्ण करते थे, यज्ञ आहुतियां करवाते थे। देन उसके बाद अगर हम देखें तो ये सैक्रिफिशियल जो सिस्टम है उसके अंदर राजा और राजघराना भी जो है वो अलग अलग प्रकार के
सेक्रीफाइसेस करवाती थी, जिसके अंदर राजस्विया और दूसरा अश्वमेधा जो है, ये दो प्रकार के विशेष यज्ञों का हम कई जगह पर वर्णन देखते हैं रामायण वगैरह में, तो पता चलता है कि इस प्रकार के राज सूर्य यानी कि राज जो है वो इज्जत पाए, सम्मान पाए और देवता उनको क्या करें, ब्लेस करें और उनका राज्य जो है बड़े आगे बढ़े। अश्वमेधिया जो है आप सब जानते हैं कि वो जो है इलाके, अपने इलाके टैर जो हम जो इलाके हैं उनको बढ़ाने के लिए, अपने टेरिटरी को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। देन ये सब ज्यादातर राजा लोग करवाते थे, या फिर अगर हम देखें तो उनके चीफ यानी कि उनके सिपा सलार और जो हम कह सकते मुखिया लोग थे वो कराते थे। इन सब को करने के लिए ब्राह्मण अपॉइंट होते थे और जो हम ये भी कह सकते राजपुरोहित वगैरह होते थे जो ये कार्य करते थे। देन अब नए प्रश्न उभरने लगे, तो ये न्यू क्वेश्चन जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं। मैनी आइडियाज फाउंड इन द उपनिषद then 6 BCE shows that the people were conscious about the meaning of the life, that possibility of the life after death. परंतु यहाँ तक हम देखें तो ये सारी चीज जो थी वो धरती और धरती के अंदर ही थी, परंतु उसके बाद धीमे धीमे परिवर्तन आया लोगों की सोच पे। जब लोगों ने सोचना शुरू किया, उन्होंने जो है कई चीजों को तर्कात्मक रूप से समझने की कोशिश की, जिसमें ज्यादातर जीवन और मृत्यु है, क्या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है, इस तरीके के प्रश्न जो थे। इसके अलावा रीबर्थ निर्वाण यानी कि निर्वाण पा लेना, आत्मा वापस तब जो है कभी धरती पे आएगी नहीं, वो क्या हो गए परम आत्मा से मिक्स हो गए। दूसरा जो है कि क्या रीबर्थ होता है, मतलब वापस से इंसान जो धरती पे जन्म लेगा और जन्म लेकर वापस इसी धरती के चक्र के अंदर यानी कि जन्म चक्र के अंदर फंसा रहेगा। देन अगर हम देखें तो इस प्रकार के इश्यूज जो थे वो मतलब बहुत गर्म जोशी के साथ हॉटली डिबेटिव हो गए थे। थिंकर्स उसको सोचते थे और अपने हिसाब से उसको क्या करते थे, एक्सप्लेन करते थे। उनके जो दिमाग, उनकी जो सोच, उनकी जो फिलोसफी जो हम कहते हैं जो तारों की शिक्षा को, ये इस तरीके से उसको वो क्या करते थे, एक्सप्लेन करते थे। वैदिक ट्रेडिशन में अक्सर हम देखें तो जैसे मैं आपके लिए पढ़ने वाली वैदिक ट्रेडिशन, आस्क वेदर और नॉट देयर वर इवन वाज अ सिंगल अल्टीमेट रियलिटी, पीपल आल्सो बिगेन द लुकिंग एट इट द सिग्निफिकेंट ऑफ द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। अगर आप देखें तो वैदिक समय के अंदर इस ट्रेडिशन को ये माना जाता था कि अगर आप ये कर रहे हैं तो आप एक अच्छे इंसान है और आप इस इंसानी जीवन को अच्छे से क्या कर रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपके जीवन में सुख और आपके जीवन में आगे प्रोत्साहन मिलेगा। नाउ डिबेट एंड डिस्कशन, अब जो डिबेट हुआ वो खास तौर से हम देखें तो उस दौरान में जब बौद्धिस्ट टेक्स्ट आया, जब बौद्धिस्ट धर्म की शिक्षा आने लगी, अगर हम देखें तो इस जमाने में कम से कम जो अगर देखें तो स्कूल्स मतलब होता है शिक्षा देने वाले सिस्टम। स्कूल्स मतलब बिल्डिंग नहीं है यहाँ पर, स्कूल्स मतलब है कि आप किस तरीके की परंपरा का अनुकरण कर रहे हैं और किस तरीके की सोच का आचरण, आजकल आप लोग बोलते हैं ना फॉलोवर्स है, मेरे इतने फॉलोवर्स हो, सो वी कैन से दैट फॉलोवर्स की जगह स्कूल्स है, थॉट्स के स्कूल, यानी कि उस विचार को सुनने और समझने और उसको अप्रिशिएट करने या उसको फॉलो करने वाले लोग। नाउ अगर हम देखें तो 64 सेक्ट और स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो थे उस जमाने में थे, ये 64 जो लोग थे जो इस प्रकार के सेक्ट या स्कूल्स को चला रहे थे, वो लोग उनके टीचर्स जो थे वो जगह जगह पर भ्रमण करते थे, जगह जगह के बारे में सीखते थे, जगह जगह के बारे में उनकी डिटीज के बारे में और उनके डेटी के और लोकल लोगों के बीच के रिलेशंस को वो समझने की और पढ़ने की कोशिश करते थे और उसके थ्रू वो अपना अल्टीमेट जो रिलेशन विद द कॉस्मो था उसको निकाल कर प्रस्तुत करते थे। तो इस तरीके की चीजों को अगर हम देखें तो वो डेवलप हुआ। आई लेट मी रीड फॉर यू, द टीचर ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ट्राइंग टू कन्विंस वन अनादर एज वेल एज द ले पर्सन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ देयर फिलोसफी और द वे दे अंडरस्टूड द वर्ल्ड। डिबेट्स टू प्लेस इन द
Kushoshala literally a hut with the pointed roof, or in the groves where the traveling mendicants are halted. If the philosopher succeed in convincing one of the rebel, the follower of the latter also became his disciple. So support for any particular sect could grow and shrink over the time. अगर हम देखें तो जो ये टीचर्स होते थे अपने विचार लेके चलते थे फिलोसोफर्स, और जहां पे भी जाते थे अपने विचारों के द्वारा दूसरे विचारक से तर्क करते थे, इनके चेले भी होते थे उनके चेले भी होते थे, और जब तर्क में ये विजित हो जाते ये अपने पॉइंट्स को प्रूव कर देते कोई भी एक बंदा, तो वो सामने वाला जो उसका राइवल या उसके साथ डिबेट कर रहा था वो क्या करता, अपने आप को समर्पित कर देता इनके विचारधारा के लिए, और वो और उसके जो स्टूडेंट्स थे वो सारे इनके फॉलोवर बन जाते थे। इस तरीके से हमको ये नहीं कह सकते कि ये जो विचार थे, ये जो एस्टेब्लिशमेंट था वो लॉन्ग टाइम जोन का था, क्योंकि ये कभी भी श्रिंक हो जाता था और कभी भी अपडेट हो जाता था। Then many of these teachers, including the Mahavira and Buddha, question the authority of Veda. परंतु इन विचारकों में से कई एक ऐसे भी निकले जिन्होंने वेद के जो सिद्धांत थे उस पर प्रश्न उठाया। उन्होंने कई बातों पर प्रश्न उठाया और उस चीजों को क्वेश्चनिंग किया कि क्या ये सही है और ये क्या गलत है, या फिर हम ये कह सकते डिबेट था एक नॉर्मल तरीके का। दे ऑल्सो एम्फसाइज द इंडिविजुअल एजेंसी सजेस्टिंग द मैन और वुमेन कुड स्ट्राइव टू अटेन द लिबरेशन फॉर द ट्राइल्स एंड ट्रिबुलेशन ऑफ द वर्ल्डली एग्जिस्टेंस। उन्होंने यहाँ तक भी प्रश्न उठाया कि क्या मानव और स्त्री को इस दुनिया के दुख और दर्द को झेलते रहना चाहिए, या इस तरीके के परंपराओं के अंदर अपनी तकलीफों को बर्दाश्त करते रहना चाहिए, या फिर इससे ऊपर उठकर अपनी जिंदगी पे क्या है स्वतंत्रता और स्वतंत्र सोच को इख्तियार करना चाहिए या उसके अंदर अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहिए। दिस वॉज इन मार्ग contrast to the Brahminical positions wherein, as we have seen, the individual's existence was true to be the determined by his or her birth in the specific caste or gender. अगर हम देखें तो कई बार उन्होंने इस बात को भी प्रश्न में उठाया कि क्या जो बौद्ध धर्म के अनुसार किसी व्यक्ति के पोजीशन के ऊपर, किसी व्यक्ति के जो वर्ण के अंदर, किसी व्यक्ति के स्त्री या पुरुष होने के अंदर, ये सारी चीजें जो है क्या कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती कि भाई ये ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में जो कहा गया है, और महावीर और बौद्ध जो थे वो इस चीज पर प्रश्न लगाते थे, प्रश्न पूछते थे कि व्हाई इट इज सो। इन रियल वो उनका जो आप देखेंगे नीचे ही आपके लिए क्वेश्चन है, वर्स फ्रॉम द उपनिषेद। तो वर्स फ्रॉम द उपनिषेद में अगर हम देखें तो वो एक डायरेक्टली ये कहते हैं कि किस प्रकार से जो हर चीज जो है प्राकृतिक है, द नेचर ऑफ द सेल्फ, यानी कि प्रकृति अपने हिसाब से अपना खुद स्वाभिमानी है या स्वनियंत्रित है, तो अल्टीमेटली वो निर्धारित करती है ना कि कौन सा बच्चा किसके परिवार में जन्म ले रहा है या कौन सा बच्चा कैसे, तो उसमें उसकी जात बिरादरी का कहाँ पर वर्णन है, धर्म बिरादरी का कहाँ पर वर्णन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कई बार जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने जो लिए थे। सो मैं यहीं पर आज लेसन रोकूंगी, पर आपके लिए होमवर्क है कि पेज नंबर 86 और 87 आप थोरोली पढ़ेंगे। एक में सूत्र पटिका के बारे में चित्र दे रखा कि किस प्रकार से सूत्र पटिका के धागे को खोल के उसको ऐसे फैलाकर पढ़ा जाता था, और उसके अंदर विनय पटिका जो है और महाविषम जो है श्रीलंका के अंदर, और इन चीजों में बौद्ध धर्म के बारे में कितनी प्रिजर्व टेक्स्ट जो है उनके बारे में आप पढ़ेंगे, और उसका एक छोटा आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे। और दूसरा जो सोर्स है आपका सोर्स थ्री जो है, इस सोर्स थ्री को जो पेज नंबर 87 में है उसे भी आपको पढ़ना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है लिख लीजिए। यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोर्स थ्री
about fatalism and materialism. About fatalism and materialism, this need not to be exceed from 50 words. इसको 50 words से ऊपर ना लेके जाएं fatalism और क्या है materialism को. Then next question आप लिखिए. Give a short description of debating teachers of philosophy. The last question. In Vedic tradition, Rigveda teaches some practices for deities. What are these? तीन क्वेश्चन है तो दो दिन में प्लीज भेज दीजिए, वही बेहतर होगा. मैंने कई बार देखा है 20 आप लोग लेसन लेते हैं परंतु जब लेसन 20 आवर्स दिखा रहा होता है उससे 12 होते हैं या फिर 10 बच्चे उसको व्यू कर रहे थे. सो ठीक है, ये आपकी इच्छा, व्यू करें ना करें पर एग्जाम तो सबको देना है. सो प्लीज टेक केयर अबाउट दिस. ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर.